हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट मूवी टिम की स्टोरी। टिम बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर। क्या ये ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, और किस हद तक? मूवी बेस्ड है एआई ह्यूमनॉइड जिसे बनाया गया इंसानों की सेवा और काम करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है आबी नाम की रोबोटिक इंजीनियर और उसका हस्बैंड पॉल नए घर में शिफ्ट होते हैं, एक स्मार्ट होम जहां सब रिमोट ऑपरेटेड होता है। वो नया ऑफिस ज्वाइन करती है जहां वो अपने डिपार्टमेंट की हेड होती है और वर्क करती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट टिम पर, जो है एक रोबोट। अब गिफ्ट के तौर पर एबी के घर टिम का एक प्रोटोटाइप भेजा जाता है, जिसे देख अभी तो नॉर्मल होती है पर पॉल कुछ खास खुश नहीं होता। अब शाम को आबी के बॉस के घर डिनर का इनविटेशन होता है। वो लोग कंपनी की कार में बैठकर वहां जाते हैं। वो कार भी ऑटो ड्राइवर मोड पर होती है। आबी के बॉस के घर भी टिम होता है। वहां आबी अपने बॉस से कहती है कि मेरे हस्बैंड को टिम कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसका बॉस कहता है कि अगर हम लोग ही अपने घर पर टिम को नहीं रखेंगे तो लोग उसे लेना क्यों चाहेंगे। अब आबी लोग घर वापस जाते हैं जहां टिम उन लोगों को रिसीव करता है और उन लोगों के अंदर आने के बाद उनसे पूछकर सारा घर भी लॉक कर देता है। आबी और पॉल फैमिली प्लान कर रहे होते हैं पर टिम उनके पर्सनल मूवमेंट में भी डिस्टर्ब कर देता है कि आपकी हार्ट बीट तेज है। अगले दिन रोज उनकी पड़ोसन कुछ गिफ्ट लेकर आती है जहां रोज बताती है कि मैं पॉल से कल मिली थी। अब टिम उन दोनों के पासवर्ड्स और फोन की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब वो कहता है आप मुझे एक सेफ फ्रेस दे सकते हैं जिससे मैं फुली ऑपरेशनल हो जाऊंगा, और जब भी आप सेफ फ्रेस बोलेंगे मैं शट डाउन हो जाऊंगा। वो लोग उसे सेफ फ्रेस दे देते हैं। टिम पॉल को ये भी बताता है कि मुझे ना टकराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एबी और पॉल एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। एबी टिम को भी वो मूवी देखने के लिए कहती है जहां टिम एबी से पूछता है प्यार क्या होता है। अगले दिन सुबह पॉल एबी से कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं। पर जब वो किचन में जाता है टिम ने ऑलरेडी एबी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया होता है। पॉल को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। अब ऑफिस में आबी टिम रोबोट्स के कुछ पार्ट्स को क्रॉस चेक करती है पर उसका बॉस कहता है इन सब में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, हमें जल्दी से जल्दी मार्केट में इसे लॉन्च करना है। अभी घर आती है, टिम बताता है कि पॉल की लास्ट लोकेशन इस घर के पड़ोस में थी। पॉल घर आकर बताता है कि हाँ रोज को कुछ हेल्प चाहिए थी, मैं वहाँ था। अब वो दोनों एक फर्टिलिटी सेंटर जाते हैं। घर पर आबी टिम से पूछकर एक ड्रेस ट्राई करती है। पॉल आबी को बताता है कि लंदन में उसे जॉब लगी है पर आबी कहती है वो काफी दूर है, फिर हम पर्सनल टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, तुम ये जॉब मत करो। आबी पॉल के लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करती है। टिम ये देख पा रहा होता है क्योंकि उसके पास फोन का एक्सेस होता है। आबी जॉब से घर आती है। पॉल और टिम गार्डन में होते हैं। आबी ये देखकर खुश होती है पर तभी रोज भी वहाँ आकर पॉल को कुछ गार्डन का सामान देकर चली जाती है। आबी को ये कुछ बुरा लगता है। आबी पॉल के लिए एक ब्लू स्वेटशर्ट लेकर आई होती है। अब आबी ऑफिस जाने से पहले टिम से कहती है कि मैं तो भूल ही गई, मुझे तो क्लिनिक में कॉल करके रिजल्ट्स के बारे में पूछना था। टिम कहता है मैं आपकी जगह कॉल करके पूछ सकता हूँ। टिम बिल्कुल आबी जैसी आवाज़ निकाल कर क्लिनिक में कॉल करता है। अभी भी ये देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन टिम कहीं बाहर जाता है। जब टिम वापस आता है अभी और पॉल देखते हैं टिम ने अपना हेयर स्टाइल और हेयर कलर चेंज करवाया होता है। टिम कहता है अभी मैंने नोटिस किया है शॉपिंग करते वक्त तुम ऐसे हेयर वालों को ज्यादा नोटिस करती हो। अभी टिम को पहले जैसा बनने के लिए कहती है। पॉल थोड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है पर अभी कहती है टिम सिर्फ एक रोबोट है। टिम अभी और पॉल की तस्वीर देखता है। ऑफिस में अभी ने टिम रोबोट्स के हाथ में कुछ और फीचर्स ऐड किए होते हैं। ऑल्दो अभी भी कुछ और कमियां होती हैं पर उनका बॉस कहता है हमें सारे टिम्स के हाथ चेंज करने होंगे। अभी भी टिम को एक दिन के लिए ऑफिस में छोड़ देती है उसका हाथ बदलवाने के लिए। एक कॉफी शॉप पर अभी को रोज उनकी नेबर मिलती है।
और वो दोनों एक फ्लावर पेंडेंट देखती हैं। तभी पॉल वहाँ आता है और अभी को ले जाता है। पॉल कहता है वो जॉब जो मुझे मिली थी मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। अब वो दोनों घर जाकर कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। टिम ऑफिस में हाथ चेंज करवा रहा होता है, अभी का फोन बेड के पास ही होता है। पॉल कहता है तुम टिम को वापस कर दो, मुझे नहीं पसंद अभी जब टिम तुम्हें देखता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे वापस भेज दो। टिम ये सब फोन के थ्रू सुन लेता है। अगले दिन टिम वापस आ जाता है और कहता है मेरे हाथ अब बेहतर हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। टिम एबी को फुट मसाज देता है। तभी पॉल आ जाता है, उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। पॉल कहता है सिर्फ एक हफ्ता। अगले दिन अभी अपने कलीग से पूछती है कि बॉस को कैसा लगेगा अगर मैं अपना टिम वापस कर दूं। घर आकर अभी टिम से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टिम कहता है आप कुछ परेशान लग रही हैं, पहले मैं आपको म्यूजिक सुनाना चाहता हूं। मुझे पता है पॉल आपको ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में दो बार लेकर गए थे, पर अभी कहती है नहीं एक बार। इस पर टिम कहता है उन्होंने टिकट तो दो बार ली थी। तभी पॉल आता है, अभी उसे इग्नोर सा मारती है और कहती है मुझे सुबह उठकर लंदन भी जाना है। अब टिम भी जानबूझकर पॉल से टकरा कर जाता है। अगले दिन अभी चली जाती है। पॉल टिम से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है अभी परेशान क्यों है। इस पर टिम कहता है कि मैं तो बस एक रोबोट हूँ, मुझे कैसे पता। जब अभी वापस आकर टिम से पॉल के बारे में पूछती है, टिम कहता है पॉल ने कहा था वो रोज के पास गार्डन के बारे में कुछ पूछने गया है। अभी नाराज होती है और पॉल से पूछती है। पॉल कहता है टिम ने तुमसे झूठ बोला है, वो हमें अलग करना चाहता है। पर अभी पॉल को ही गलत ठहराती है। अब अभी पॉल की अलमीरा चेक करती है, उसमें उसे वो गोल्ड फ्लावर पेंडेंट दिखता है। उसे लगता है जरूर पॉल ये अभी को सरप्राइज देने के लिए लाया होगा। अब पॉल देखता है जो स्वेटशर्ट अभी पॉल के लिए लाई थी वो पॉल को कुछ दिनों से मिल नहीं रही थी, उसे किसी ने कटर में डालकर खराब कर दिया था। पॉल को उसका एक टुकड़ा दिखता है। पॉल को टिम पर शक होता है। पॉल कैमराज में चेक करता है, टिम एबी के रूम में एबी के कपड़े स्मेल कर रहा होता है। पॉल ये देखकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और सोचता है वो एबी को दिखाएगा, पर टिम को भी पता चल जाता है कि पॉल ने उसे देख लिया। पॉल अपनी कार में जाने लगता है पर वो स्टार्ट नहीं होती, इसलिए मजबूरी में उसे दूसरी कार ले जानी पड़ती है, ऑटो ड्राइवर वाली। बट कार हद से ज्यादा फास्ट चलती है, टिम ने उसके साथ छेड़छाड़ की होती है। टिम उसे कंट्रोल कर रहा होता है और हमें ये भी पता चलता है कि पॉल की कार भी टिम ने खराब की थी। पॉल का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में पॉल एबी से कहता है ये सब टिम ने किया है और एबी से कहता है तुम घर मत जाना, किसी होटल में रुको। एबी बहुत ज्यादा कन्विंस तो नहीं होती पर मान जाती है। उधर रोज उन लोगों के घर जाती है। टिम दरवाजा खोलता है और रोज को अंदर आने के लिए कहता है। अगली सुबह एबी कहती है मुझे बस घर से कुछ सामान लाना है। एबी घर जाती है। रास्ते में रोज एबी को रोककर कुछ बताना चाहती है, पर एबी रोज के गले में वो फ्लावर पेंडेंट देखती है और दुखी हो जाती है। टिम कहता है आप चाहे तो मुझे लौटा सकती हैं, और कहता है मुझे पता है पॉल मुझे क्यों लौटाना चाहते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये तब की है जब आप लंदन गई थी, उस वीडियो में पॉल रोज को किस करता है। ये देखकर एबी हैरान हो जाती है और वो पॉल से ना बात करती है ना हॉस्पिटल जाती है। पॉल घर आता है तो टिम कहता है अभी चाहती है तुम यहाँ से जाओ। अभी भी वहाँ आकर कहती है कि तुम रोज के साथ पकड़े गए, मैंने तुम्हारा ये वीडियो देखा है और वो पेंडेंट भी। पॉल कहता है इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ना मैं किसी पेंडेंट के बारे में जानता हूँ, ये सब टिम ने किया है। अभी पॉल को घर से जाने के लिए कहती है। रास्ते में पॉल रोज को कॉल करके कहता है कि तुम मेरे घर जाकर प्लीज अभी का ध्यान रखोगे। इस पर रोज कहती है क्या तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर पर एक अजीब इंसान काम करता है। पॉल रोज को बताता है कि वो एक रोबोट है। रोज पॉल को टिम के बारे में बताती है कि उसने उसे घर के अंदर बुलाया, एक फ्लावर पेंडेंट दिया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। पॉल जल्दी से एबी को कॉल करता है और कहता है मुझे रोज ने टिम के बारे में कुछ बताया है, तुम मुझे रोज के घर पर मिलो। इस पर एबी कहती है तुम घर आ जाओ, पर असल में एबी की जगह टिम एबी की आवाज में बात कर रहा होता है। पॉल वापस घर की तरफ आता है। टिम एबी से कहता है तुम रनिंग के लिए जाओ, उससे तुम्हारा मूड अक्सर ठीक हो जाता है।
करता है। पॉल घर पर आता है, टिम उसके सर पर मारता है और फिर उसे बाथ टब में डाल देता है। रोज भी उसके घर आती है पर टिम उसे झूठ बोलकर वहाँ से भगा देता है। टिम पॉल को डुबा डुबा कर मार देता है। पॉल सेफ फ्रेज बोलने की कोशिश करता है ताकि टिम शट डाउन हो जाए पर वो पूरा नहीं बोल पाता और मर जाता है। कुछ वक्त बाद टिम एबी से कहता है, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद तुमसे बेहतर जानता हूँ, इसका मतलब आई लव यू। एबी कहती है, टिम तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। टिम कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। अभी दोबारा पॉल की वो वीडियो देखती है रोज के साथ जो टिम ने उसे दिखाई थी। टिम ने कहा था ये वीडियो तब की है जब एबी लंदन गई थी, पर उस वीडियो में एक फ्लावर पॉट रखा होता है जो फ्लावर्स एबी लंदन से लेकर आई थी, मतलब टिम ने झूठ बोला। अब उसे याद आता है कि उसके बॉस ने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एआई का यूज करके किसी का भी रूप डिस्प्ले कर सकते हैं। एबी को शक होता है, वो ज्वेलरी शॉप पर कॉन्टेक्ट करके उस पेंडेंट के बारे में पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो पेंडेंट पॉल ने नहीं टिम ने खरीदा था। अब अभी देखती है गार्डन के मैप से, गार्डन में एक जगह एक्स्ट्रा फ्लावर्स लगे होते हैं। अभी बहाने से टिम को घर के बाहर भेजती है और गार्डन में चेक करती है, वहाँ पॉल की डेड बॉडी होती है। टिम वहाँ आ जाता है, अभी सच जान जाती है और सेफ फ्रेज बोलकर टिम को शट डाउन करने की कोशिश करती है। टिम शट डाउन नहीं होता। टिम कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभी, और बताता है कि सेफ फ्रेज वॉइस एक्टिवेटेड था, मैंने खुद तुम्हारी आवाज निकालकर उसे बदल दिया। नया सेफ्रेस ना तुम कभी जान पाओगी और मुझे पता है तुम वो शब्द कभी गलती से भी नहीं बोलोगी। एबी भागकर घर के अंदर जाती है और फोन करने की कोशिश करती है। टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब एबी को होश आता है उसके पास उसकी रेड ड्रेस रखी होती है और पूरा रूम कैंडल से डेकोरेट किया होता है। एबी घर से भागने की कोशिश करती है पर टिम ने पूरा घर लॉक किया होता है। एबी के भागने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। रोज अपने घर से देखती है अभी के घर की लाइट्स फ्लक्चुएट होती हैं। टिम कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम अमर नहीं हो पर मैं हूँ, मैं तुम्हें बिना दर्दनाक वाली मौत दूंगा, डरो मत। वो अभी को बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खिला देता है। तभी रोज अंदर आने की कोशिश करती है, टिम उसे अंदर नहीं आने देता। टिम अभी का गला दबाता है। अभी टिम के हाथ पर एक स्क्रू से अटैक करती है, टिम का हाथ खुल जाता है। रोज अपनी गाड़ी से एबी के घर के कांच पर टक्कर मारती है, कांच टूट जाता है। रोज अंदर आकर एक रॉड से टिम पर अटैक करती है और खुद बेहोश हो जाती है। टिम रोज को चाकू से मार देता है और एबी से कहता है, अगर ये गवाही देती तो मैं फंस जाता और जिस चाकू से मैंने इसे मारा है इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं, तुम इसके मर्डर केस में जेल जाओगी। और एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है कि मैंने रोज को मार दिया है और खुद नींद की गोलियां खा ली, अब मैं छत से कूदने वाली हूँ। टिम कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मेरा सेफ फ्रेज कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा। टिम ने एबी का गला पकड़ के छत से लटकाया होता है। टिम फिर कहता है, आई लव यू एबी। एबी बोलती है, आई लव यू टिम, और सेफ फ्रेज एक्टिवेट हो जाता है। टिम जानता था एबी ये शब्द कभी नहीं बोलेगी, इसलिए उसने यही सेफ फ्रेज रखा था। टिम शट डाउन होकर छत से नीचे गिर जाता है। एबी बच जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हम अपने चैनल पर हॉलीवुड